नमस्कार आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो कमिटीज़ हैं उनमें मुदालियर कमेटी के बारे में यहाँ पर जानेंगे मुदालियर कमेटी क्या थी और इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी मुदालियर कमेटी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इसको और क्या कहते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी है इसका नाम पॉपुलरली नॉन एज द मुदालियर कमेटी और पॉपुलरली यदि हम देखें तो ये किस नाम से प्रचलित है मुदालियर कमेटी इसके चेयरमैन थे डॉक्टर ए एल मुदालियर दिस कमेटी नॉन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर ए एल मुदालियर बाइज अपॉइंटेड टू असेस द परफॉर्मेंस इन हेल्थ सेक्टर सिंस द सबमिशन ऑफ बोर्ड कमेटी रिपोर्ट जब बोर कमेटी रिपोर्ट आ गई थी उसके बाद में जो हेल्थ सेक्टर की परफॉर्मेंस है उसको असेस करने के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी और इसका जो हेड था वो कौन थे डॉक्टर ए एल मुदालियर मोर देन टेन ईयर्स हैड एलैप्स फॉलोइंग बोर कमेटी रिपोर्ट दस साल से ज़्यादा निकल चुके थे बोर्ड कमेटी की रिपोर्ट के बाद गाइडलाइंस फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज व नीडेड और आगे जो नेशनल हेल्थ सर्विसज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइन चाहिए थी तो उसके लिए क्या हुआ ये मुदालय कमेटी बैठी इन दमी कॉन्टेक्सट ऑफ द फाइव ईयर प्लान्स जो कि फाइव ईयर प्लान थे उसके संदर्भ में इन नाइनटीन फाइफ्टी नाइन द गवर्मेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अनोदर कमिटी नॉन एज दर्वे एंड प्लानिंग कमिटी तो नाइनटीन फिफ्टी नाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी को अपॉइंट किया किस लिए अपॉइंट किया इसको टू सर्वे द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ ये सर्वे करने के लिए कि हेल्थ के फील्ड में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है सिंस सबमिशन ऑफ बोर कमेटी रिपोर्ट 1946 जब बोर कमेटी की रिपोर्ट दी गई थी 1946 में उसके बाद में क्या क्या हेल्थ में प्रोग्रेस हुई है जो हेल्थ सेक्टर है उसमें देन टू मेक रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इसके अलावा जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा हेल्थ सेक्टर में उसके लिए जो रिकमेंडेशन दी जाएंगे उनके लिए और हेल्थ सर्विसज का किस तरह से उनका विस्तार किया जाए इसके लिए रिकमेंडेशन के लिए देन कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1962 सिक्सटी फिर जो ये मुदालियर कमेटी थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की 1962 में द मुदालियर कमेटी फाउंड अब जो कमेटी अपॉइंट की गई थी उन्होंने क्या पाया क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर वॉज अन इन्होंने ये पाया कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है वो सेटिसफैक्ट्री है वो सेटिस्फाई नहीं करती है फेल द नीडेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द तो इसने क्या महसूस किया या क्या पाया कि क्या चीज़ मजबूत करने की जरूरत है एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको इम्प्रूव करने की बिफोर न्यू सेंटर्स वर एस्टैब्लिश नए सेंटर एस्टैब्लिश करने से पहले उनको जो एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है देन सब डिविज़नल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स सो दैट दे में इफेक्टिवली फंक्शन एज ए रेफरल सेंटर्स इसके अलावा सब डिविजन हॉस्पिटल बनाए जाएं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए जाएं, जो कि किस तरह से काम करें जहां पर जहां पर कि रेफरल न, सेंटर की तरह है. जो पी है वहाँ से रेफर करके पेशेंट को वहाँ पर भेजा जा सके देन हम पढ़ते हैं मैन रिकमेंडेशनस ऑफ मुदालियर कमेटी 1962 जो 1962 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें क्या क्या मेन रिकमेंडेशन दी गई पहली थी कंसोलिडेट द प्रोग्रेस मेड इन फर्स्ट टू फाइव ईयर प्लान्स तो इनमें जो पहले जो दो फाइव ईयर प्लान थे उसमें जो प्रोग्रेस ये है उसको देखना देन स्ट्रेंथन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद स्पेशलिस्ट तो और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट बैठ बैठे हैं जिससे कि सो दैट दे कैन एक्ट एज ए गुड रेफरल सेंटर वो किस तरह से काम कर सकें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कि पी से यदि पेशेंट को रेफर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है तो वहाँ पर गुड रेफरल सेंटर हो वो टू सर्व एज ए सेंट्रल बेस ऑफ रीजनल सर्विसेज और किस तरह से सर्व हो सेंट्रल बेस रीजनल सर्विसेज की तरह वो र्व हो देन क्रिएट ए रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल उसके अलावा रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को क्रिएट किया जाए किसके बीच में हेड क्वार्टर और एट स्टेट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन चार्ज ऑफ रीजनल डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर इजी टू सुपरवाइज टू टू थ्री डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर इस तरह से इसको बनाया जाए देन ईच प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुड़ कैटर टू ए मैगजिमम ऑफ फोर्टी थाउजेंड पॉपुलेशन तो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे हो मैगजिमम फोर्टी थाउजेंड पॉपुलेशन पे देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बाई द प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करें देन इंटग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज एज रिकमेंडेड बाई द बोर कमिटी तो बोर ने जो रिकमेंड किया था उसके बिहाफ पे मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज को इंटेग्रेट आपस में समेकित किया जाए आपस में कंबाइन किया जाए देन कंस्टिट्यूशन ऑफ़ एन ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज ऑन द पैटर्न ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसके अलावा क्या कंस्टिट्यूट किया जाए ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज को किस पैटर्न पे जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ हैं उसी तरह से तो एक बार वापस से देखते हैं मैन रिकमेंडेशन ऑफ मुदालियर कमिटी 1962 पहला कंसोलिडेट द प्रोग्रेस मेड इन द फर्स्ट टू फाइव ईयर प्लान देन स्ट्रेंथन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद स्पेशलिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनको क्या किया जाए स्ट्रेंथन किया जाए सो दैट दे कैन एक्ट एज गुड रेफरल सेंटर टू सर्व एज सेंट्रल बेस ऑफ रीजनल सर्विसेज देन क्रिएट ए रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल बिटवीन द हेडक्वार्टर एट स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वाटर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच में इंचार्ज ऑफ रीजनल डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर और ईच टू सुपरवाइज जो रीजनल डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर है ये हर किसको सुपरवाइज करेगा दो या तीन District Medical and Health Officers Co, then each primary health center should cater to a maximum of 40,000 population. Then to improve the quality of health care provided by the primary health centers. Then integration of medical and health services as recommended by the board committee and the constitution of an all India Health Services on pattern of Indian administrative services. तो आज हमने जाना मुदालियर कमिटी के बारे में और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो कमिटीज़ हैं हेल्थ कमिटीज़ उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कमिटी है इसके अलावा आपको कम्युनिटी हेल्थ जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित कोई और टॉपिक भी यदि देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी टॉपिक मिल जाएंगे और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें एंड शेयर करें थैंक यू